आदित्य, क्या किया सोया? आदित्य से शादी कर ली। हेलो मिसेज मैट, नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेज आदित्य हुडा, मैं तुम्हारे डियर वाइफ, आज हमारी पहली सुबह है और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूं। संभालिए खुद को जोया, अपने बुरे सपनों को अपनी हकीकत बर्बाद करने मत दीजिए। जी अभी आई। लेकिन जोया को तो चाय पसंद नहीं, उसे तो कॉफी पसंद है। कॉफी? सोया जल्दी आओ, अभी तक घूरना बंद करेंगे हम? नहीं, क्यों घूरना बंद करूं? जो मैं तुम्हें घूर रहा हूं, अपनी वाइफ को, जिससे मैं प्यार करता हूं उसे घूर रहा हूं, और अब दाग से घूरूंगा। हाँ कहना मेरा जो है, बेड कॉफी तुम्हारे लिए, बेड कॉफी लेके आया। बेड कॉफी क्या होता है?
तुम्हें चाय पसंद नहीं है ना, तो फिर बैड टी कैसे लेकर आता है? इसलिए बैड कॉफी। बहुत अच्छा किया, लेकिन ये कॉफी हम यहाँ पर नहीं किचन में जाकर पियेंगे। क्यों, किचन में जाके क्यों? फिर ये बेड कॉफी थोड़ी ना रहेगी, ये तो किचन कॉफी बन जाएगी। और जो प्रिवेसी बेडरूम में हस्बैंड वाइफ को मिलेगी, वो किचन में कहाँ से मिलेगी? वो प्रिवेसी हमें कल भी मिलेगी ना, लेकिन आज हमारा इस घर में पहला दिन है, और हमने जो इवेंट किया था ना, उसमें हमने जाना था कि दुल्हन की पहली सुबह एक रस्म होती है, पहली रसोई, और वो हमें करनी है। सीरियसली, तुम्हें कोई रस्म वस्म निभाने की जरूरत नहीं है? जरूरत है आदित्य, ये रस्में ही रिश्तों को बांध के रखते हैं। अब आप जल्दी जाइए, हमें तैयार होना है और किचन में जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आदित्य कैसी बातें करें, आप जाइए ना। मैं कहीं जाऊंगा ना, तुम्हें कहीं जाने दूंगा, और ये मेरा तुम्हारे हस्बैंड का ऑर्डर है। कैसी बातें कर रहे हैं आप आदित्य? बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं भरा, मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। तुम इतनी बीवी जैसी लग रही हो ना कि नजर नहीं हट रही है तुमसे। मां मां बाहर जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ता हम बनाएंगे, ठीक है? आप बता दीजिए हमें कि सब क्या खाना पसंद करते हैं, तो हम बना देंगे। अरे नहीं मैम, आप परेशान ना हो, हम ब्रेकफास्ट बना देंगे हम लोग। अरे इसमें अच्छा ठीक है, हम हलवा बनाते हैं। हम दूध गिराओगी मुझ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद करने आया। आप हमारी मदद करने आए? एक्चुअली नहीं, मदद तो एक बहाना है, मैं तो तुम्हें सिर्फ घूरने आया हूँ। शुक्रिया, काम करना है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैं कहा तुम्हें रोक रहा हूँ काम करने से, तुम काम करते रहो, मैं तुम्हें घूरता रहूंगा। प्लीज आइए यहाँ से, बहुत काम है। नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? क्योंकि हमें काम है, हमने कहा है आपसे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानू? तुम मेरी बात मानती हो? तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कोई यहाँ जाएगा? हाँ, तो चुपचाप मेरे साथ पी लेती ना बेड कॉफी। आदित्य प्लीज जाइए, देखिए प्लीज हमें बहुत काम है, जाइए। नहीं जाऊंगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। आदित्य प्लीज, मैं तो यहीं खड़े होके तुम्हें घूरता रहूंगा। तो आने दो क्या, तुम हलवा बनाओ ना अपना। कौन कौन है? तुम्हारी बहन का मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नो सक्सेस। बचपन से ना नूर का गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है मुझे। ऑब्वियसली तुम्हारी छोटी बहन है, बड़ी बहन से सीखा होगा। हम एक बार बात करते हैं, हमारी बात मानेगी वो, तब तक मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम कर देंगे, छोड़िए। हमारा फोन। किसका फोन था नूर? वो बस ऐसे ही, अम्मी कुछ नहीं। नब्स पढ़ लेते हैं हम आपके, अब्बू हैं। जोया का फोन था ना, आपने बात नहीं की, तसल्ली हो गई हमें। नूर बेटा, जोया आपकी आप ही है, क्यों किया आपने ऐसा? अम्मी ऐसा क्या गलत कह दिया हमने? अप्पी अब्बू के साथ कैसे भी पेश आए और हम ये जिल्लत बर्दाश्त करते रहे। नूर बेटा, उस वक्त जोया को पता भी नहीं था कि इनको। हम नहीं जानना चाहते अप्पी को क्या पता था, क्या नहीं पता था, वो कहाँ है, कैसे हैं, हमें कुछ नहीं जानना उनके बारे में। उड़ा हो उसमें सब एक जैसे। नूर सही कह रही है रोशनक, सोया से कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है।
सर मैं जानता हूँ इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अब्बू तुम्हारी बहन को मनाना इम्पॉसिबल है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरियसली तुम्हें याद है जब हम मिले थे शुरुआत में, जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज जिंदगी चीख चीख के कह रही है जो हुआ हमारे लिए, हमारी भलाई, हमारी अच्छाई के लिए। आज जिंदगी कह रही है ना कि हम डिजर्व करते हैं खुश रहना। सोया, जिंदगी ने हमें उभारा है ना, वैसे एक दिन जिंदगी मौका देगी हमें तुम्हारे अब्बू तुम्हारी बहन को मनाने का। ट्रस्ट मी, और मैं मनाऊंगा उन्हें जैसे कि मैं मिला हूं ना तुम्हें अपनी फैमिली के साथ पूरा, वैसे मुझे तुम तुम्हारी फैमिली के साथ चाहिए। सोया, हम साथ है ना, हर चीज मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं, और हम साथ हैं हमेशा, सब ठीक हो जाएगा। हलवा बनाए। अच्छी तुम जाइए, मैं काम करना है। नहीं पहले तुम रोना बंद करो। तुम नहीं रो रहे। अच्छा विक्टर, नाश्ता दे दो भाई। अरे वाह, कमाल की खुशबू आ रही है। आज कुछ खास बनाया क्या अर्जुन? आपकी बहू ने हम सब के लिए आज पहली बार कुछ बनाया है। रियली? क्या? हलवा। अरे वाह, क्या बात है, ये तो दिखने में ही अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। आज हमारी पहली रसोई थी ना, तो हमने सोचा हलवा बना दे, सोचा कि मीठे से शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। Have it too good. Good thought. पर unfortunately मुझे हलवा बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं कुक से बोल के अपने लिए कुछ और बनवा लेती हूँ। एक्चुअली माँ, आप अपने लिए कुछ और ही बनवा लीजिए, क्योंकि हलवा ना बहुत अच्छा बना है। हम लोग आपके लिए बचाएंगे नहीं, आप अभी खाएंगे नहीं तो आपको खाने मिलेगा नहीं बाद में। अब जब सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ। हम देते हैं आपको। अच्छा, पर मीठा थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, पर अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो क्या हर्ज है, मिठास की काफी जरूरत है आजकल इस घर में। भाभी, हलवा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अब मुझे रोज चाहिए होगा। विक्टर भाई, तू अपने गांव का टिकट कटा ले। अब इतना अच्छा जोया के हाथ का खाना खाने के बाद तेरे हाथ का खाना कौन खाएगा? हाँ,
भाई आप भाभी को अपने हाथों से हलवा नहीं खिलाओगे? Of course. अर्जुन तू मेरे परिवार को मुझसे छीनना चाहती है ये, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, कैसा बने? मैं नहीं आ रही हूं ना किटी पार्टी में, प्लीज नॉट दिस टाइम, आई एम नॉट इन द मूड। भाभी आप भी? कोई मुंह दिखाई नहीं है। मिसेस खन्ना, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ये मत समझना कि मैं कह रही हूं, जस्ट दैट मेरे फ्रेंड्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि नई बहू लाई है तो उसकी मुंह दिखाई कर, तो मैंने भी कह दिया कि मैं बहू नहीं लेकर आई हूं, मेरा बेटा वाइफ लेकर आया है। तो अगर उसकी वाइफ की परमिशन हो तो ही रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। मां आप घुमा फिर, आपको हमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्सलेंट आइडिया। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? लेडीज का फंक्शन है, आपको जाने को भी नहीं मिलने वाला। बेटा इस बहाने घर में थोड़ी चहल पहल तो होगी ना, और शायद तेरी मां का मूड भी अच्छा हो जाए। सोए बेटा, अगर हम आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं तो आप पहनेंगी? बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जानते बेटा, इन दोनों नालायकों के बाद मुझे एक बेटी की बहुत चाहत थी, आज तुमने वो कमी पूरी कर दी। हम आपकी बेटी पहले हैं और फिर इस घर की बहू हैं। मेरा बच्चा, मैंने भी जोया का हाथ थाम लिया है, अगर इस घर में जोया के लिए जगह नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं। आप कुछ कहती क्यों नहीं? मतलब कम से कम सॉरी तो बोलिए। ये लड़की, शी इज माई वाइफ। जोया तुम्हारी मुंह दिखाई इतनी शान से करूंगी मैं कि फिर कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.